अपनी शराब नीति पर पूरे देश में अपनी फजीहत करवा चुकी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अब पानी के मुद्दे पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कराने का मौका दिया है। देश में घूम घूम कर दिल्ली मॉडल की बात करने वाले केजरीवाल दिल्ली स्थित एम्बेसी में पानी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और जो पानी पहुंच भी रहा है वो बेहद गंदा है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल ने इसे बेहद गंभीर मामला मानते हुए सख्त एक्शन के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पदभार संभाले लगभग 2 ही महीने हुए हैं, लेकिन इतने वक्त में ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार की शराब नीति पर उनकी बखिया उधेड़ते हुए उसे यू टर्न के लिए बाध्य कर दिया। अब इस मुद्दे पर भी सक्सेना अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने केजरीवाल सरकार को पानी को लेकर नसीहत दी है। एक कंसुलेट यानी वाणिज्य दूतावास में पानी की समस्या को लेकर मिली शिकायत के बाद उपराज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी को तुरंत एक्शन लेने को कहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा है कि ऐसी घटनाओं से देश का नाम बदनाम होता है। उनके ऑफिस ने मॉन्टेनिग्रो के कंसुलेट से मिली शिकायत की कॉपी को भी साझा किया है। एलजी ऑफिस की ओर से कहा गया है कि मॉन्टेनिग्रो के कंसुलेट से पानी की आपूर्ति नहीं होने, टैंकर नहीं मिलने और दिल्ली जल बोर्ड से कम प्रेशर पर गंदा पानी मिलने की शिकायत की गई है। चीफ सेक्रेटरी को तुरंत इस मुद्दे के समाधान को कहा गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल को सलाह दी गई है कि इस तरह के मुद्दे को देखें जो दुनिया में भारत की छवि खराब कर रहे हैं। वहीं मॉन्टेनिग्रो कंसुलेट से एलजी को भेजी गई शिकायत में कहा गया है कि हम आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं, 2 दिनों से कंसुलेट में पानी नहीं आ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि वे वाटर टैंकर भेज देंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। पानी की आपूर्ति कम प्रेशर पर हो रही है और दूषित है, कृपया इसका समाधान करें, क्योंकि इससे भारत के राजनयिक मिशन में काम प्रभावित हो रहा है। एलजी ने पानी की आपूर्ति को लेकर दिल्ली सरकार को ऐसे समय पर नसीहत दी है जब हाल ही में कई मुद्दों पर टकराव सामने आया है। एलजी ने हाल ही में दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इसके बाद दिल्ली सरकार को पुरानी नीति पर लौटने का फैसला करना पड़ा। गौरतलब है कि इससे पहले उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार को बहुप्रचारित नई शराब नीति में कई गड़बड़ियां पाने के बाद सीबीआई जांच की धमकी देकर इस नीति को रोल बैक करने के लिए मजबूर कर दिया था। यही नहीं, दिल्ली में वायु प्रदूषण पर भी उन्होंने सख्त रुख अपनाया है। इससे संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की और हितधारक एजेंसियों और विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सभी उपाय समयबद्ध तरीके से किए जाएं। अब दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए सर्दियों में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान फिर से प्रभावी रूप से लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।